चलो जी, आज 5 जनवरी 2023 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। जब जब भक्तों पर परेशानियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, प्राकृतिक प्रकोप हुए हैं, तब तब बाप आए हैं क्या करने के लिए? ज्ञान से गति सदगति करने। भक्ति से गति सदगति नहीं होती तो भक्ति का फल क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान से होती है गति सदगति। पहला प्रश्न है, विकर्मा जीत कौन बनते हैं? और विकर्मा जीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? दो एराज है, एक विकर्मी और एक विकर्मा जीत। तो विकर्मा जीत माने सत्यों में कौन आएंगे? बाबा ने कहा विकर्मा जीत वही बनते जो कर्म फिलॉसफी यानी कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान के श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ठीक है, वो बनेंगे विकर्मा जीत। और निशानी क्या होगी? विकर्मा जीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। कर्म कूटना भी बाद में उनको पश्चाताप होना है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा काम कभी नहीं करते। उन्हीं के कर्म विकर्म नहीं बनते। उनको पता है बाबा के कर्म फिलॉसफी क्या है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे वो। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस करते हैं, कौन सी? उत्तर है, एक तो आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं, और दूसरा फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। तो चरित्र एक बाप के हैं, जो भी कर्म किए हैं एक बाप ने किए हैं, मनुष्यों के हो ही नहीं सकते। मनुष्यों के कोई कर्म एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती। ये चला ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वही ऐसे गीत गाते हैं, और घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं, और मन दुख से छूटने की पुकार करते ही रहते हैं। पर तुम तो हो एक तरफ लोग मनुष्य भक्ति मार्ग वाले, तुम तो हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। यही तो है समझने की बात। इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां जो शास्त्रों में दिखाई है, इतने बच्चे दिखाए हैं, इतने नहीं थे, किसके थे? गीता का भगवान भी श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान तो शिव है जो राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर इतने सारे बच्चे जरूर मुख वंशावली होंगे। अब प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है, प्रजापिता माना मनुष्य सृष्टि का पिता, तो दुनिया जानती है। तो इनके मुख से, प्रजापिता के मुख से परम पिता आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अब प्रजापिता नाम बाप का शोभता है, श्री कृष्ण तो बच्चा है, उस पर तो ये नाम ही नहीं शोभेगा।
तो अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो, अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। और दुनिया वाले तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। अब रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाबा कहते हैं कैसे हो सकता है, अब कहते भी हैं शंकर और पार्वती, शिव शंकर और पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, फिर शिव शंकर महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे, भगत गाते हैं परंतु भगत भगवान को जानते ही नहीं। तो भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भगत वो है, कौन है सच्चे भगत, सारे तो नहीं है, जो पूज्य थे माने सत्यु देवता में थे वही अब पुजारी बने हैं। सच्चे भगत तो वही है, उनमें भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो तुम हो ब्राह्मण, वो है शूद्र। तो देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने सुख भी बहुत देखे हैं। अब इतना सत्यु में सुख था, उसके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा भी दुख लगता है तो बहुत लगता है। तो लास्ट जन्म में भी कितनी मौजे मौजे हैं। तो अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया, तो भी आधा कल्प के लिए। तो ये राज है, ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबर वन। अब जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं, ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता ही है, पुरुषार्थ फर्स्ट है ना, नाम तो आएगा। तो ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है, तो जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। तो हम जानते हैं कल पहले भी ऐसा ही पुरुषार्थ किया था, ऐसे ही सितम हुए थे, ऐसे यज्ञ में विघ्न पड़े थे, ठीक है। ड्रामा क्या करेगा, पुरुषार्थ कराएगा। आप प्रेजेंट में, आपको ये तो पता नहीं कल पहले मैंने क्या किया था, प्रेजेंट में चेक करो मेरा पुरुषार्थ तो दिल कर रहा है, मेरे को प्राप्ति मिलेगी। अगर किसी कारण से लगता है मेरा दिल नहीं करता, मेरा जोग भी दिल नहीं करता, मेरा मुंडी भी दिल नहीं करता, सब लोग कल पहले भी ऐसे हुआ था, सब लोग खतरा आ गए, क्योंकि पास्ट में जो किया प्रेजेंट में मुझे मिल रहा है दिखता है, अब प्रेजेंट में जो कर रहे हो यही फ्यूचर बनना है। तो पुरुषार्थ अभी करेंगे तो फ्यूचर मेरा कोई खराब कर नहीं सकता, 100% फ्यूचर है ही है। अब ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा फिर से आया हुआ है, कल पहले भी इसी समय आया था, कब, जबकि अंग्रेजों का राज्य था, जिनों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान हुआ। तो ये कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। गीता में ये बातें नहीं है, आखिर समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है, ये गीता एपिसोड चल रहा है। हाँ, कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है, तो कहते हैं ना ये वही समय चल रहा है, भगवान भी कहीं आया हुआ है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया ही था, कहते ठीक है, सिर्फ भगवान का
नाम बदल दिया है। चलो रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है, क्योंकि रुद्र ने ज्ञान का यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा दुनिया को पता लग जाएगा, इसमें अभी समय पड़ा है। क्यों समय पड़ा है अभी लोगों के समझने में? नहीं तो मधुबन में तो ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, नहीं तो यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, लॉ नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। कभी बाबा को गुप्तेश्वर भी कहते हैं कि गुप्त रूप में कार्य चल रहा है। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका तो माथा ही खराब है, क्या करते रहते हैं, नई दुनिया की बातें करते रहते हैं। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान ही आकर रचेगा ना, देवता तो कोई है नहीं इस समय, देवताओं से बड़ा तो भगवान है, वही रचेगा ना। तो अब वो आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने। तो विनाश के बाद तो कोई दुख हो गया ही नहीं, और सत्युग में भगत होते ही नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। बाबा मुन्नी चला ही रहे थे, इतनी देर में बॉम्बे से रमेश भाई का फोन आया। किसने? लकी रमेश भाई, जिनको भगवान याद करे। नहीं बाबा क्या बोले, बाप दादा चले, बाबा बॉम्बे गए होंगे ना, वहाँ से आ गए होंगे मधुबन, उस समय की बोली है, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते ही हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है, पर वो है जिस्मानी संबंध, यहाँ बाबा के साथ है रूहानी संबंध। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ ही जाते हैं। तो जो सर्विस एबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता ही है। कितने प्यार से बाबा शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई का होता ही नहीं। तो शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन हो ही नहीं सकते। हाँ पावन देवता बनते हो, अब बाप तो है ज्ञान का सागर, तो हम कितना भी ज्ञान सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते, और बाबा तो है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो बच्चों को आनंद का, प्रेम का, शांति का सागर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आनंदमय बनाते हैं। क्या बात है, आनंदमय, आनंद में जैसे मस्ती होती है ऐसा बनाते हैं। और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं, जितने भी सन्यासी हैं हर एक नाम के पीछे आनंद लिखा हुआ है, खाली नाम रखवाते हैं और हम आनंदमय जीवन को व्यतीत करते हैं। इस समय दुनिया में भगत माला बड़ी लंबी चौड़ी है, और तुम्हारी है 16108 की माला। भगत तो है करोड़ों,
यहाँ भक्ति की बात ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही होती है सदगति। तो अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। तो बाबा कहते हैं सभी भक्तों पर जब भीड़ होती है, जब मुसीबतें आती है, दुख अशांति आती है, तो मुझे ही आना पड़ता है। इसलिए सभी की गति सदगति करने के लिए, यानी स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तभी तो इतना ऊंच पद पाया है। बाकी कर्म तो मनुष्यों के चले ही आते हैं, परंतु वहां सत्युग में कर्म कूटते नहीं। यहां कर्म विकर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माया है, पांच विकार हैं, वहां माया होती नहीं और तुम बनते हो विकर्मा जी। तुम बनते हो विकर्मा जी। अब जिन बच्चों को अभी कर्म फिलॉसफी यानी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ, वही विकर्मा जीत बनेंगे। अगर आपको कर्मा फिलॉसफी का नहीं पता है तो आप विकर्मा जीत बन ही नहीं सकते। कल पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही राजयोग अब भी सिखला रहा हूं। और इधर बाबा, दूसरी दुनिया ने क्या किया? कांग्रेसियों ने फिरंगियों को यानी अंग्रेजों को निकाल के राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। जब राजा होता था तो दुनिया में बड़े शांति थी, सब फैसिलिटीज थी, कोई कमी नहीं होती थी। बल्कि जब अंग्रेजों ने राज ले लिया, राजा पर सभी खत्म कर दी। राजा ने तो अंग्रेजों को बेच दिया है ना, पर वो फिर भी राजा पर तो खत्म हो गया, फायदा क्या हुआ जीतने का? और ही दुखी परेशान ज्यादा हुआ इसके बाद तो। तो बाबा ने कहा राजा नाम ही गुम कर दिया। तो 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तभी तो परिस्थान था, सारी परिये थी। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तभी तो उन्हों का नाम भगवान भगवती पड़ा। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती कह ही नहीं सकते, नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवान भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। क्यों? क्योंकि लॉ नहीं है। तो किसी राजा का नाम कोई प्रजा रखेगी? हो ही नहीं सकता, है ना। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था। या तो हरे के प्रणाम लक्ष्मी नारायण, है ना, कृष्ण। यहाँ पे इसलिए रखते ना कि किसी बहाने हम नाम जपते रहेंगे, बच्चे को बुलाएंगे। पर है तो डिफेमेशन है ना, उनके नाम, उनका नाम, उनका तुम कोई सिर पैर ही तुम्हारा। तो अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। तो शिव बाबा का आना भी अभी हुआ है। तो शिव बाबा कौन है? वो है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। तो बाप पंडा बनकर आया है, इसलिए वापिस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे,
तो मुख्य गीता को ही खंडन कर दिए। खंडित की होगी क्योंकि बाप की जगह बच्चे का नाम लिख दिया। अब बाप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। लोग क्या कहते हैं, भगवान नियत भगवान का रूप है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रुद्र मैंने ज्ञान का यज्ञ राजा चलो कह दिया, सोमनाथ क्योंकि तुमको ज्ञान का सोमरस मिला रहा हूं। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, तुम तो योग बल से राजाई का मक्खन मिल जाता है। तुमको तो योग बल से राजाई का मक्खन मिल जाता है। बाकी श्री कृष्ण पहले नंबर का प्रिंस का मक्खन चोरी थोड़ा करेगा, ये तो विश्व का मक्खन है। अब श्री कृष्ण को मक्खन जरूर मिलता ही है। तो ये है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा, इनको यानी ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ियाई नहीं है, लक्ष्मी नारायण ने राधे कृष्ण ने कोई कमाल नहीं किया है। बढ़ाई किसकी है, चरित्र है एक गीता के भगवान का, वो शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्यों के कोई चरित्र नहीं, कोई भी मनुष्य किसी को साक्षात्कार नहीं करा सकता, एक ही करा सकता है, कमाल तो उसकी है। अब क्राइस्ट आदि ने भी क्या किया, आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात नहीं, क्या कमाल किया उसने, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कोई को गति दे ना सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे और सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। फिर वहां से अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। तो कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना तो बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। अब कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। वो तो कहते जी आपने इनको जन्म भर में ले आए, अरे वो तो है ही है, सच्चाई तो बतानी है ना। बाबा कहते लेकिन हम तो सिद्ध करके बतलाते हैं, ऐसे नहीं कहते हम तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं कि जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। तो नई नई पॉइंट्स तो रोज आती है, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। अब सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना, मनुष्य थोड़ा ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। क्या दिखाया उल्टे चित्र में, नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। अब सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं, सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो ही नहीं सकती।
और मूल वतन में है ही निराकारी आत्मा है, मूल वतन में नहीं है, सूक्ष्म वतन में नहीं है। तो स्थूल वतन में ये 8-10 भुजाएं वाले कहाँ के रहने वाले हैं? अब मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले ही हैं लक्ष्मी नारायण, 2-2 भुजाएं वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी है। फिर नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, कैसे हो सकता है जब हस्बैंड वाइफ है? तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजाएं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न तुम पूछ सकते हो। तो बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं। कभी कभी ये ब्रह्मा भी बीच में बोलते हैं ना, सुनाते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ और ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा, बड़ा बड़ा बच्चा है मेरा। कहते हैं दुनिया में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे। फिर कहते हैं देव देव महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने प्रजा रची है, तो यह उनकी यानी शिव बाबा की वन्नी यानी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं समझने की, है ना। ब्रह्मा को क्यों रखा त्रिमूर्ति, कन्फ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा उनकी पत्नी बनती है ना, इसलिए उनका गायन हो गया। और यहाँ सिर्फ करना क्या है, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। वह ज्ञान की बात है, योग की बात क्या है, कौन जो परम नाम ये सत्य देवता में आ जाओ, सुदर्शन फिर चक्कर फिराना यहाँ पर, इतना सा बस। और इस बस इसमें ही है मेहनत। अभी तुम कितने समझदार बने हो, बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो, बेहद के मालिक बनते हो। बेहद में क्या है, ये धरती ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा, ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य होगा, वन गवर्नमेंट, है ना, एक राज्य एक देश एक भाषा, है ना, सब कुछ होगी। कब? नई दुनिया में जाएंगे। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी, जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं होते। क्यों? वो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो बच्चों को कितना, बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कितना चढ़ा खुशी का पारा, जब सूर्यवंशी हम थे और कोई था ही नहीं, सिर्फ हम ही हम थे, है ना, सब कुछ हमारा था। यानी बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे, इतना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बस दिखना या बेहद का बाप चाहिए, और कुछ दिखना नहीं चाहिए। उस पति को कितना याद करते हैं, और ये है बेहद की बादशाही देने वाला। ऐसे पतियों के पति को तो कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते, यहां तो पतियों से भीख मांगनी पड़ती है ना।
क्या बोलना पड़ता है, पैसे दे दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, लेना कुछ नहीं है, है ना, सब कुछ तुम्हारा ही है, इसी में खुश, इसी में खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं बाबा सब आपका है। हाँ तेरा नहीं है। बाबा तो देता है ना, वो कहाँ देते हैं? नहीं हम बाबा को बोलते हैं ना कि बाबा सब आपका है। वहाँ तुम कोई से कोई कभी भीख नहीं मांगते, वहाँ गरीब होते ही नहीं। तो बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं और लक्ष्मी नारायण के राज्य को कहा जाता है गोल्डन एज। अब है आयरन एज, फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राज योग सिखला रहा हूँ। गोल्डन एज बनना है, सोने की तरह बनना है, राज योग तो सीखना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, तुम सो देवी देवता थे, फिर तुम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। तो इस 84 के चक्कर को तुम याद करो, जो जो तुमने बनना है सुदर्शन फिराते रहो। तो चित्रों पर समझाना तो बड़ा सहज है, जब देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय कोई और राज्य था ही नहीं, एक ही राज्य था और मनुष्य बहुत थोड़े थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। फिर क्या हुआ, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। तो 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं और यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उनों को ही सतो प्रधान होना है। तो जितना तमो प्रधान बनेगा उतना ही सतो प्रधान बनेगा। अब सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए, तो सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान बनाना सब सिखा सकते हैं, पर सत्व प्रधान वाला एक ही सिखा सकता है। और तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इन्हीं में प्रवेश करते हैं, तो कितना साफ करके समझाते हैं, तो कितना क्लियरिटी से समझाते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने और सर्विस एबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है, धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा, इस नशे और खुशी में रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाप और वर्षे को याद करना है, याद आएगा नहीं, याद करना है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से स्व प्रसाद और सर्व की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा की सफलता की मूर्त बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्व प्रसाद और सेवा, सर्व की सेवा में करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, स्व प्रसाद और सर्व की सेवा में क्या करना पड़ेगा, बालक और मालिकपन का बैलेंस चाहिए, कहाँ बालक बनना है कहाँ मालिक बनना है,
इसका बैलेंस चाहिए। कैसे? बाबा ने कहा सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं, लेकिन जब कोई राय देनी है, कोई प्लान सोचना है, कोई कार्य करना है तो मालिक होकर करो, और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। तो किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाले बनना है, ये तरीका सीख लो तो स्वप्रसाद और सर्व की सेवा दोनों में सफल रहेंगे। उसके लिए स्लोगन बताया, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। कहते हैं निमित्त, निर्माण और निर्माण। एक तो निमित्त हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ मैं ईगोलेस हूँ और मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, आगे आगे बढ़ाना है, उसके लिए मन बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मेरा सोच अच्छी है, भूल जाओ। अब मन बुद्धि को प्रभु पर सौंप दो, अब बाबा जो आपको टच कराता है बस उसी से ये सृष्टि का कार्य कर सकते हो और अपना दिमाग से नहीं कर सकते। मनुष्य मत तो बर्बाद करेगी, ईश्वरी मत पे चलो। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।